सो हे माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल एंड ट्रिक्स वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईटेल A48 में दोस्तों डैश कीबोर्ड की कुछ हिडन ट्रिक्स के बारे में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो एंड में एक ही बात बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल एंड ट्रिक्स वीडियो रोज अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा, यहाँ पर सर्च का यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकती हो कीबोर्ड है, तो आपको क्या करना है दिखाता हूँ फिर से। तो कीबोर्ड का जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है दोस्तों, राइट की यहाँ पर वॉइस की वहाँ पर दोस्तों 2 नंबर वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है गाइस, ये 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर क्लिक करके तो दोस्तों देख सकती हो कीबोर्ड जो वो छोटा हो गया, देख सकती हो। अगर इसे फिर से अगर बड़ा करना चाहते हो तो आपको सिंपली लेफ्ट में यहाँ पर क्लिक कर देना है, बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक कर देना, फिर से दिखाता हूँ दोस्तों आपको 1 नंबर वाला जो है राइट के एकदम फ्लोटिंग, इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपका जो कीबोर्ड कुछ ऐसा नजर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे करके ऊपर भी ले सकती हो, ऊपर जाकर भी कीबोर्ड ऐसे ऐसे दबा सकती हो, नीचे भी ऐसा ला सकती हो। एंड दोस्तों मैं फिलहाल नीचे लाता हूँ, तो यहाँ पर पहले जैसा ए ले आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली 3 डॉट पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर ऑफ कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ से कीबोर्ड का जो बैकग्राउंड है कलर, वो भी चेंज कर सकती हो। वो ऊपर जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कलर आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता दोस्तों तो आपको क्या करना है, सेटिंग का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दिन पर क्लिक कर देना है, आपके सामने आ जाएगा, देख सकती हो अलग अलग कलर मिल जाता है। मैं फिलहाल इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो अप्लाई पर क्लिक कर दिया, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अप्लाई फाइनली हो चुका है। तो ऐसे करके दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, तो ठीक एक बार जरूर ट्राई करना। एंड दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं दोस्तों। एंड अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर।